सीवान के खुरमाबाद स्थित पातिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन जिला जज मनोज शंकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। पातिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर की सुविधा हो जाने के बाद अब सीवान जिले के वैसे मरीज जो डायलिसिस के अभाव में जीवन जोखिम में डालते थे, अब उनका बेहतरीन इलाज सीवान में ही हो सकेगा। जिला जज के साथ उद्घाटन के मौके पर सीवान सिविल एसडीओ रामबाबू बैठा, डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार चौरसिया, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, डॉक्टर विनय दुबे, डॉक्टर प्रियंका दुबे, अन्नू बाबू, एसडी प्रसाद के साथ कई चिकित्सक मौजूद रहे। वही इस मौके पर सीवान ब्लड डोनर क्लब द्वारा नीलेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पातिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में कई आधुनिक सुविधाएं अस्पताल में मरीजों को दी जा रही थी, लेकिन अब डायलिसिस सेंटर हो जाने के बाद गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस मौके पर सुधीर कुमार पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता सौरव सुमन, आशीष भारद्वाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज बहुत बड़ा दिन है सीवान के लोगों के लिए, और यहाँ पे डॉक्टर संजय कुमार सिंह अपने क्लिनिक में, नर्सिंग होम में डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सेंटर बहुत ज़रूरी था सीवान वासियों के लिए, जिसके लिए बड़े बड़े शहरों में लोग जाते थे। अब यहाँ पे ये सुविधा मौजूद हो रही है, ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है। और डॉक्टर साहब हमेशा लगे हुए हैं सिवान वासियों को अपनी मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए। मैं बहुत दिनों से इनको देख रहा हूँ, और उस कड़ी में इन्होंने आज एक बहुत बड़ा अध्याय जोड़ा है। ये सिवान वासियों को बहुत ही लाभप्रद रहेगा। मैं इनके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ डॉक्टर साहब के, इनके नर्सिंग होम और आगे बढ़े और इक्विप्ड हो, इसी शब्दों के साथ। डायलिसिस सेंटर ओपन करने के पीछे से एक मोटिव था कि हम लोग का बहुत सारा पेशेंट, जो सर अभी बताए कि डायबिटीज़ के पेशेंट में गुर्दा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जो पेशेंट आता था कभी कभी वॉल्यूम ओवरलोड में आता था, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, उस पेशेंट को हम लोगों को पटना रेफ़र करना पड़ता था। अब मरीज़ रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता था, इसलिए इसको देख के कि एटलीस्ट मरीज़ को हम सेटल करके पटना में रेफ़र करें, इस मकसद से इसको यहाँ पे हमने डायलिसिस सेंटर को इस्टेब्लिश किया है, और ताकि पेशेंट को एक छत के नीचे सारी सुविधा मिल सके, कोशिश यही है। पेशेंट मैनेज करने का, चाहे इंटेंसिव केयर चलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इसके आजकल डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों के चलते किडनी की बीमारियाँ काफ़ी हो रही हैं, इन बीमारियों के इलाज में डायलिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस समय डॉक्टर संजय ने जो ये खोला है, इस सीवान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मुझे इसके शुभकामनाएं हैं, और सफलता के लिए मैं बेस्ट विशेष करता हूँ। कहना यह चाहें कि बड़े हर्ष की बात है कि सीवान के पातिभरा नर्सिंग होम में आज डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, साथ ही साथ रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया गया कि सीवान के ब्लड बैंक में अभी भी बहुत सारे ब्लड की कमियाँ हैं, तो उस कमियों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक जो शुभ आयोजन है उस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि ज़रूरतमंदों की जरूरत को पूरा की जा सके। आप ये बात बताएं, आप लोग ये मशक्कत तो काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड बैंक में जो है ब्लड ऐसे ही इश्यू हो जाता है, बिना डोनर का भी बहुत सारे स्थिति आती है, परिस्थिति जो कि वहाँ पर इशू किया जा रहा है, और ज़रूरतमंदों की जब, जैसे आज जो डोनेशन करेंगे और इनको जब नहीं मिल पाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं से हम इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी न किसी डोनर को। इस ब्लड का सही उपयोग किस तरह से करेंगे आप लोग? सही उपयोग हम लोगों को तो करना नहीं है, ये ब्लड जो डोनेशन होता है ये हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी जो सदर हॉस्पिटल में है वहाँ हम लोग दे देते हैं, और उसके बाद जब इसकी ज़रूरत आती है हमारे किसी डोनर को, तो उसकी ज़रूरत पर उस समय मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसके बाद से फिर हम लोग को किसी न किसी डोनर को लाना पड़ता है उसके लिए।
मतदान किए हैं, कैसा लगा आपका? अच्छा लग रहा है, जान बचाने के लिए हम लोग ब्लड कर रहे हैं। आपका ब्लड का सही उपयोग किस जगह पे हो? किसी गरीब आदमी के पैसा देने में सक्षम हो उसको मिला। अपना नाम बता दीजिए।